Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग या अन्य जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेफर कर पाएंगे, कर सकते हैं. दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, नैना दुबे. तो अब हम शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है. सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के आदेश के तहत संविधान ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा. एंड द लास्ट वन, पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर किन्होंने पद संभाला है. तो आज के बनते हैं 3 क्वेश्चंस एंड आप कोशिश करिएगा कि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट में दे पाए, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज जो है वो रिवीजन होती रहेंगी. और कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था 9 जनवरी के, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी जो स्वर्ण जातियाँ हैं जनरल कैटेगरी के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है, ये 10% को दी गई है. खैर अभी तो इसमें बिल पारित होना बाकी है, बट स्टिल जो घोषणा की गई है वो 10% है. किस राज्य में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. स्वामी हरिदास जी कवि थे एंड तानसेन जी संगीतकार, तो इनका नाम संयुक्त रूप से मिला हुआ है. ये संगीत नृत्य महोत्सव दिल्ली में आयोजित होगा. एंड द लास्ट वन, किस मंत्रालय ने 70-point लीडिंग इंडेक्स की शुरुआत की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा की गई है. इसमें क्या होगा कि एजुकेशन को ग्रेड किया जाएगा, ठीक है, एजुकेशन को ग्रेडिंग दी जाएगी कि किस तरह की वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है. अब हम बढ़ रहे हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज की तरफ. और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में स्थित सोलापुर तुलजापुर उस्मानाबाद नामक एक NH-52 राष्ट्र को समर्पित किया है. मतलब ये एक नई हाईवे का उन्होंने उद्घाटन किया है, NH-52, जिसका ऑलरेडी NH-211 नाम था, बट अभी इसे नया नाम दिया गया NH-52. तो ये किया गया महाराष्ट्र में. ऑप्शन हो जाते हैं हमारे डी. देखिए, ये मराठावाड़ा क्षेत्र के साथ सोलापुर के जो संपर्क है उसमें ये सुधार करेगा, ठीक है. और 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय की किस मासिक पत्रिका का हाल में ही विमोचन किया है. नितिन गडकरी जो कि हमारे केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली में एक मासिक पत्रिका का हाल में विमोचन किया है जल संसाधन मंत्रालय की. और इसका क्या नाम है, देखिए इसका नाम है जल चर्चा. ऑप्शन है हमारे ए, जल चर्चा. और आप, ये मंथली मैगजीन होगी और आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है नितिन गडकरी जी एंड इन्होंने इस मैगजीन का उद्घाटन किया है, ठीक है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश का क्या नाम है, जिसकी जहाँ की पासपोर्ट को सबसे ताकतवर करार दिया गया है, तो वो देश है जापान. ऑप्शन है हमारे डी. और अगर हमारे भारत की बात होती है तो हमारे भारत की रैंकिंग है उसमें 79, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट वाला देश है जापान. ऑप्शन हो जाते हैं हमारे डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है, इसका आरंभ किस देश से हुआ था. देखिए येलो वेस्ट आंदोलन पहले क्या है ये समझ लीजिए. तो यहाँ देखिए इसका आरंभ हुआ था फ्रांस से, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे सी इस क्वेश्चन के मुताबिक. और अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे वहाँ के लोग जो है वो हिंसक रूप में रोड पे उतर आए थे कि आप जो फ्यूल टैक्स है उसे कम करिए. उसके लिए उन्होंने येलो जैकेट एक लिया है, मतलब जो भी इसके विरोध में आएंगे ये इस तरह की येलो जैकेट पहन के इसका विरोध करेंगे, इसलिए इसका नाम है येलो जैकेट प्रोटेस्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए. और इसके लिए तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका आरंभ किस देश से हुआ था, तो ये फ्रांस से हुआ था. और अभी फ़िलहाल ये हम बोल सक रहे हैं कि ये जो है पूरे यूरोप को अपनी जद में लेता जा रहा है, इवन बेल्जियम और नीदरलैंड तक भी ये पहुँच गया है, इतनी ज़्यादा ये बड़ी और आजकल चर्चा में भी है. तो चीज़ें समझ जाइएगा कि येलो वेस्ट जो आंदोलन है, जस्ट ये तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं येलो जैकेट पहन के.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किसे महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुई हैं अप्सरा रेड्डी जी। ऑप्शन है हमारे ए अप्सरा रेड्डी, आप इसे इन पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हैं अप्सरा रेड्डी जी और कांग्रेस के द्वारा ये नियुक्त की गई हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इन्हें महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर महासचिव नियुक्त किया है, ठीक है, और अप्सरा रेड्डी जी ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी का कार्यभार संभाला है? फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी का कार्यभार संभाला है अजित मोहन जी ने। ऑप्शन है हमारे बी अजित मोहन, ये फेसबुक इंडिया के नए उपाध्यक्ष और एमडी होंगे। और इनके बारे में बता दूं, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये हॉटस्टार के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में विल्लुपुरम जिले को द्विविभाजित करके नया जिला कल्लाकुरुची बनाने की घोषणा की गई है? अब देखिए, ये जो विल्लुपुरम जिला पड़ता है ना, ये पड़ता है तमिलनाडु में, तो हमारा ऑप्शन हो जा रहा है ए तमिलनाडु। अब ये राज्य जो है, वहाँ विल्लुपुरम जो जिला है, इसे द्विविभाजित किया गया क्योंकि इनका कहना है कि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और उसके संचालन में दिक्कतें आ रही थी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि विल्लुपुरम जिलों को द्विविभाजित कर दिया गया है और इसके आधार पर अब एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है कल्लाकुरुची। तो देखिए, ये कह लीजिए आपकी, अब ये राज्य के सबसे बड़े जिलों में से एक होगा, एक चीज़ें तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके साथ ही अब राज्य में 33 जिले हो जाएंगे, पहले तमिलनाडु में 32 जिले थे, बट अब जिला कल्लाकुरुची बनाने से यहाँ 33 जिले हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नवगठित क्षेत्र है ना, ये चावल उत्पादन के लिए होगा। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन है हमारे ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है या पदभार संभाला है? ये चीन में होंगे हमारे भारत से नए राजदूत और इनका नाम है विक्रम मिस्त्री। ऑप्शन है हमारे ए विक्रम मिस्त्री, आप इन्हें इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। देखिए, ये म्यांमार के पूर्व भारतीय राजदूत रह चुके हैं और 1989 के ये IFS ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष का पदभार किन्होंने संभाला है? ग्लोबल सोलर काउंसिल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है प्रवण आर मेहता। ऑप्शन है हमारे ए प्रवण आर मेहता, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, इन्हें भारत का सौर पुरुष भी कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिए। प्रवण आर मेहता भारत के सौर पुरुष कहलाते हैं एंड इनके बारे में ये नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन जो है इंडिया की, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रवण आर मेहता को आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2019 है, इसकी मेज़बानी करेगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन है हमारे ए महाराष्ट्र। और देखिए, ये महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे सिटी में आयोजित होगी। ये 9 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, 20 जनवरी को ये ख़त्म होगी, ठीक है, 20 जनवरी को इसका समापन होगा। अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि ये युवाओं के लिए हैं, आज के हमारे भारत के जो यूथ हैं जितने, इनके लिए हैं। एंड ये भारत का एक हिस्सा है जो भारत में खेलों के विकास का एक नया कार्यक्रम बनकर सामने आया है, ठीक है, और ऑप्शन है ये महाराष्ट्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, भोपाल साहित्य उत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? भोपाल साहित्य उत्सव, देखिए, भोपाल में ये साहित्य और कला का एक उत्सव मनाया जाता है और ये इसका पहला संस्करण जो है ये 12 जनवरी से शुरू होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें देखिए, ये 3 दिन का उत्सव होगा और इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया के लेखक, विचारक, कलाकार, शिक्षाविद और मशहूर जितनी भी हस्तियां हैं ना, वो सब शामिल होंगी। मतलब इसमें बाहरी देश के भी लोग इसमें आएंगे, ये इसकी अच्छी बात है। तो भोपाल साहित्य उत्सव जो है ये 12 जनवरी से शुरू होगा और ये 3 दिनों का है। और इसमें एक बात बता दूं कि लेखिका नमिता गोखले को इस समारोह में कहा गया है कि इन्हें सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? मतलब
वहाँ अब सातवां हवाई अड्डा बन गया था, अभी तक वहाँ 6 हवाई अड्डे थे और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन है हमारे बी आंध्र प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने 8 जनवरी को कुरनूल शहर जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के आसपास ओरवा कल्लू में अपना सातवां हवाई अड्डे का उन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में कितना संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया गया है, मतलब कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तो जैसा कि अब हम जान रहे थे कि जो जनरल कैटेगरी की बात की जा रही थी कि जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं जनरल कैटेगरी की, उन्हें 10% की आरक्षण दी जाएगी और 10% के आरक्षण के साथ साथ इसमें मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, इसमें था कि पहले ये लोकसभा में जाएगा, इसमें जो आपकी आर्टिकल है 15 और 16 उसमें संशोधन किए जाएंगे, देन ये जो बिल है ये लोकसभा में जाएगा, देन राज्यसभा में जाएगा, एंड आफ्टर डेट ये संसद में जाएगा, तब जाके ये बिल पारित होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी, बट इसमें आप ये ध्यान रखिए, एक अच्छी खबर बता दूं कि लोकसभा में ये बिल पास हो गई है, ये चीज़ अच्छी है, और अब ये राज्यसभा और संसद बाकी है। तो देखिए, जैसे अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि ये कितना संवैधानिक संशोधन विधेयक हुआ, तो ये 124 हुआ, ऑप्शन है हमारे ए 124, ये आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, विदेश मंत्रालय में जो दूतावास, पासपोर्ट, वीजा, जितने भी प्रवासी भारतीय मामले होंगे उन सबको सॉल्व करेंगे और इसके सचिव के रूप में कार्यरत हुए हैं संजीव अरोड़ा जी। तो ये अपना पद 1 फरवरी 2019 से संभालेंगे, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और ये भारतीय विदेश सेवा के 1984 बैच के अधिकारी रह चुके हैं और ये वर्तमान में लेबनान के राजदूत हैं। ठीक है, भारत से ये सारी चीज़ें थी। और अगर जी हाँ, आप मुझे कुछ अलग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे भी नैना दुबे नाम से फॉलो कर सकते हैं, अगर आप नैना दुबे सर्च करेंगे तो अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।